बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बच्चों के फेवरेट डोनट। और डोनट बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा, दही 4 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक 1 पिंच, अंडे 2 अदद, चीनी 1.5 कप, तेल है 1/4 कप लिया है यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। ये गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने जो है एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपने अंडे ऐड कर दूंगी और अंडे के साथ ही मैं इसमें अपना ऑयल भी ऐड कर दूंगी। और गाइस इसको जो है बीटर से बीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास, इसको आप हाथ से ही बना सकते हैं हैंड बीटर से, और जो है आप इसको चमचे से भी बना सकते हैं। तो ये गाइस देखे मैंने इसमें तेल और अंडे डाल दिए हैं, इसको थोड़ी सी देर में बीट करूँगी। और मैंने बताया जैसे कि आपको मशीन से ज़रूरत नहीं है इतनी कोई ख़ास, आप उसको हाथ से भी बना सकते हैं, चमचे से भी बना सकते हैं और हैंड बीटर से भी बना सकते हैं। तो देखिए गाइस मैंने इसको बीट कर लिया है और जो है जब तक ये बीट होता है आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया है अच्छे से और आप इसको हैंड बीटर से भी इतनी ही देर बीट कर लें, कोई मसले की बात नहीं है जिनके पास नहीं है मशीन। दरअसल मैं जो हूँ एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ तो दूसरे हाथ से मैं काम करती हूँ, तो इसलिए मैं भी वो वाला यूज़ करके आपको दिखाती, लेकिन मैं अब मजबूरी थी मेरी तो मैंने इसलिए ये वाला यूज़ करा। मैंने चीनी ऐड कर दी है और चीनी ऐड करने के बाद भी मैं ज़्यादा इसको बीट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा ही बीट करके फिर मैं इसमें अपनी दही ऐड कर दूँगी। जैसे कि मैंने सामान निकाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा बारी बारी सामान डालती जा रही हूँ और बीट करती जा रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करा करें, शेयर करा करें। ये देखिए मैंने इसमें दही ऐड कर दी है अपनी, और दही के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो और पुराना दही रखा हुआ नहीं डालें, नया आप जैसे नए कूडे का जो दही होता है वो डालें आप। ताज़े दही से आपके केक डोनट का जो है फ्लेवर ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें गाइस अब हमने जो है इसमें अपने बेकिंग पाउडर और जो है वो नमक डाल दिया है, ऐड कर दिया है इसमें, जो है इन दोनों चीज़ों को भी डालकर अच्छे से बीट कर लेंगे। और बीट करने के बाद जो है हमारी बीटर मशीन का काम ख़त्म हो गया है गाइस। अब हम जो है अपने स्पैचुला या चम्मच वगैरह से या हाथ से ही अपना काम करेंगे बाकी का। और ये देखें अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो गाइज़ आप ज़रूर बनाइएगा, जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं और माओं को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है रमज़ान में बच्चों को लंच के लिए क्या बना के दें। तो आप इसको बनाकर रख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए भी, ये ख़राब नहीं होते। ये देखें गाइज़ मैंने 2 कप इसमें मैदा डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और जो है ना इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें और मैदा ऐड करूँगी। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो आपको पूरे महीने रमज़ान में टेंशन नहीं होगी बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या पका के दें। ये देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब मैंने इसमें 1 कप और डाला और इसको भी मिक्स कर लिया। तो गाइज़ ये देखें मेरे को जो है अपना बैटर जो है थोड़ा लग रहा था गीला, मतलब ये चिपक रहा था बर्तन से ही, तो मैंने इसमें 1/2 कप और मैदा ऐड करा ताकि ये डो की शिकल में आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें 1/2 कप और मैदा ऐड करके और फिर मैंने इसको अच्छे से एक नरम से डो की तरह इसको गूंद लिया था हाथों से ही। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए बिल्कुल। और तो गाइस मिलते हैं 15 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसा रहा। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है, मैं 15 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको।
ये देखिए गाइस 15 मिनट हो गए, मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और हमारा डो बिल्कुल सेट हो गया है। ये देखिए अब मैं जो हूँ काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने इसका एक हाफ हिस्सा ले लिया था और अब मैं इसको अच्छे से बेलूँगी। और हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, नॉर्मल ही रखना है। और ये आप ज़रूर बनाइएगा गाइस। ये देखिए मैंने आपको कुकी कटर वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लें, तो मैंने इसको आपको जो है गिलास से कट करना सिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इतना रखा है, आप भी इतना ही रखिएगा। अब हम इसको गिलास को जो है अपने उसमें मैदे में डिप करेंगे और फिर इससे कट करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये हम हर बारी में इसको मैदे में डिप करते जाएंगे और के अंदर कट करते जाएंगे। अब मैंने एक ये बोतल का ढक्कन लिया है, इसको भी मैदे में डिप करती जाऊंगी और इसी से कट करती जाऊंगी। देखिए गाइस हम सारे इसी तरह कट करेंगे, मैदे में डिप करते जाएंगे और कट करते जाएंगे। मैंने अलग अलग शेप के भी बनाए थे तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, ये बोलते हैं हमें स्टार वाले चाहिए, हमें फ्लावर वाले चाहिए। तो मैंने डोनट भी बनाए थे, स्टार वाले भी बनाए थे, फ्लावर वाले भी बनाए थे। आपको पता है जैसे कि बच्चों की फरमाइशें होती हैं अलग अलग। प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे। तो ये देखिए हमारे जो है डोनट कट्स हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे डोनट। और अभी ये आपको बहुत पतले पतले लग रहे होंगे, लेकिन जब फ्राई होंगे ना तो आप देखिएगा इतने मोटे और इतने अच्छे हो जाते हैं ये। और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, बाज़ार के डोनट लाना आप भूल जाएंगे। ये देखिए मैंने स्टार शेप ली है, कुकी कटर है ये, और जो है मैंने फ्लावर वाली भी ली है। और कुछ तो मैंने ऐसे ही हाथ से बनाए थे, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के बनाए थे डिज़ाइन। अच्छा जो मैंने ये इतना सामान लिया था ना, ये तकरीबन 3.5 कप मैदा था, 2 अंडे, चीनी वगैरह, इसमें मेरे तकरीबन 40 बन गए थे डोनट। और आप लोग भी इसे बना के रख सकते हैं डब्बा भर के फ्रिज में, और आप लोग जब दिल चाहे आपका खा सकते हैं फ्रिज में से निकाल कर आराम से। और जो है आपके कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस देखें मैंने जो है ये स्टार और फ्लावर वाले भी कट कर लिए हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है और इसमें जो है मैंने बहुत तेज़ गरम नहीं कराया है, इसको मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये स्लो स्लो से ऊपर आएंगे अभी। और इसमें मैंने जो है पहले सबसे पहले स्टार वाले और फ्लावर वाले ही ऐड करे हैं। ये केक डोनट होते हैं, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही जो है फ्राई करना चाहिए और ऑयल भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हो, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे आपके। ये देखिए आप ये आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ रहे हैं, तो हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा बहुत तेज़ गर्म नहीं है, आपको देखने में ही लग रहा होगा। तो अब हम इसको पलट देंगे, जब ये थोड़े आपको दिख रहा है कलर आ गया है तो अब हम इसको टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाए, कलर आ जाए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फूलने तक और अंदर तक पकने तक इसको वेट करेंगे, तकरीबन 10 मिनट, 8 से 10 मिनट में ये बनते हैं। तो देखिए गाइस कितने अच्छे फूल गए हैं, और ये आपको थोड़े फटे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो ये केक डोनट की जो है निशानी होती है कि ये परफेक्ट बने हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो है केक की तरह होते हैं तो ये फूल जाते हैं, जैसे कि हम केक बेक करते हैं वो भी फूल जाता है। तो आप ये देखें ये भी कैसे फूल के और वो फट गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे बने थे और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। अब जो है अपने डोनट डालेंगे और ये देखें हमारा ऑयल जो है वैसे उसी टेम्परेचर पे है, बहुत हाई नहीं है। और ये देखिए हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डोनट ऐड कर देंगे और हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरने डोनट ताकि ये इनको थोड़ी स्पेस मिले क्योंकि ये फूल जाते हैं। अब और हमारा जो है ऑयल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, हीट इसकी बिल्कुल नॉर्मल हीट है। और हमें इसी तरह इसको जब तक कलर नहीं आ जाता दूसरी तरफ जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टूट जाएंगे अगर हम इसको फौरन पलट देंगे। तो गाइस देखें हमारा कलर आ गया था तो मैंने इसको पलट दिया था, टर्न कर दिया था दूसरी तरफ और अब देख सकते हैं आप ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है इनका। हम इनको निकाल लेते हैं, ये देखें गाइस कितना अच्छा कलर आया है और अब हम इनको सबको निकाल लेंगे, ये देखें। और निकालने के बाद हम अपने दूसरे डोनट भी इसमें ही ऐड कर देंगे। और हमें जो है जब हम निकालने लग जाते हैं इनको डोनट को तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है ताकि हमारा जो ऑयल होए वो थोड़ा डाउन हो जाए इसका टेम्परेचर जो है। ये देखिए हमने इसको भी निकाल लिया है। अब हम इसमें जो है अपने दूसरे वाले डोनट ऐड कर देंगे। तो गाइज ये देखिए हमने इसमें अपने डोनट ऐड कर दिए हैं और जब तक ये वाले हमारे डोनट फ्राई होते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक साइड हो गई थी तो मैंने इनको दूसरी साइड की तरफ पलट दिया है। ये देखें कितने अच्छे फूल कर मोटे हो गए हैं ये, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें मैदा, चीनी, हमने सब चीज़ अच्छी और घर की डाली है, ये बाज़ार जैसे नहीं होते। बाज़ार वाले तो केमिकल्स वगैरह डालते हैं ज़्यादातर उनको फुलाने के लिए। सारे डोनट फ्राई हो गए हैं, अब हम इसके लिए चॉकलेट बना लेते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है पाउडर शुगर ली थी और 1 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर लिया है, इनको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से ही ड्राई में सबसे पहले। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है पानी डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। इसको जो है अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है गाइस क्योंकि आपको पता है ये पाउडर शुगर है, चीनी नज़र ना आए इसमें। और मैंने इसमें क्रीम डाली है 1 टीस्पून, अब मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मैं इसको अच्छे से राउंड राउंड करके इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक चॉकलेट फ्रेम में आ जाए। ये देखिए गाइस इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट बनी थी, ये होममेड चॉकलेट, आपको बाज़ार से लाने की महंगी चॉकलेट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप। और अगर आपके पास पाउडर शुगर भी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी होती है तो हम उसको पीस के और छान लेते हैं तो वो भी पाउडर शुगर बन जाती है। तो गाइस देखें ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, ये देखें कितनी अच्छी मिक्स होके बिल्कुल चॉकलेट फ्लेम में आ गई है ये। तो अब हम जो है इसको लगाते हैं अपनी डोनट पे, और डोनट पे लगाने से पहले आप डोनट को अच्छी तरह ठंडा कर लें क्योंकि ये पता है आपको कि शुगर है ये, अगर हम गर्म पे लगा देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे जो है डोनट बिल्कुल ठंडे हो गए थे तो मैंने इसमें एक रखूँगी और उसको आहिस्ता से उठाकर दूसरी कटोरी में रख के इस पर स्प्रिंकल डाल दूँगी। ये देखिए स्प्रिंकल थोड़े से करके इस पर, और इसको मैं प्लेट में रख दूँगी। ये थोड़ी ही देर बाद जो है शुगर जो है वो सेट हो जाती है। मैं सारे इसी तरह जो है अपने डोनट को करूँगी तैयार।
देखिए गाइस, इस पे मैं स्प्रिंकल ऐड कर दूंगी। इसी तरह मैं सब पे अपनी चॉकलेट लगा लूंगी और स्प्रिंकल ऐड करके, और जो है आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए गाइस, हमने अपने सारे डोनट पर चॉकलेट लगा दी है, स्प्रिंकल लगा दिए हैं, और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और ये देखें आप, इनकी लुक कितनी खूबसूरत है। आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैंने बताया था आपको कि मैंने अलग अलग डिज़ाइन के बनाए थे बच्चों के लिए, और बॉक्स भर के ये देखे मैंने रखे हैं। और ये देखे मैंने अलग अलग डिज़ाइनों के बनाए हैं, और इनके लंच के लिए बच्चों के। तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर से आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल केक की तरह हैं, स्पॉन्जी बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप लोग ट्राई करिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।